नमस्कार मित्रों, मैं हूं डॉक्टर अभिषेक कुमार और आप देख रहे हैं तेजस न्यूज 167। विधानसभा चुनाव 2023 का आगाज हो चुका है, बिगुल बज चुके हैं और हम हैं इस समय उदयपुर वाटी चुनाव क्षेत्र में और यहां के बहुत प्यारे से खूबसूरत से कस्बे गुढ़ा गोरजी में। पिछले 5 वर्षों में यहां पर क्या विकास हुआ है, ये हमारा आज का टॉपिक है। तो हम उन चीजों को देखेंगे जो 5 वर्षों में यहाँ पर या उसके पहले भी विकास की दौड़ में ये कस्बा कहाँ पर है और इसके लिए आज हम यहाँ पर सर्वे करेंगे और विकास की जो भी स्थिति है उसको आपके सामने रखेंगे। और ये इस समय हम चल रहे हैं गुढ़ा गोरजी में रोडवेज बस स्टैंड के ऊपर। चारों तरफ भीड़ भाड़ है, काफी अच्छा खूबसूरत सा कस्बा है, विकास की दौड़ में काफी आगे चल रहा है। आसपास के क्षेत्रों से जैसे उदयपुर वाटी है, नवलगढ़ है और इन सब की तुलना में यदि देखा जाए तो यहाँ पर विकास काफी अच्छा है। स्कूल शिक्षण संस्थाओं के लिए ये विशेष रूप से जाना जाता है और अभी यहाँ पर सरकारी कॉलेज भी खुला हुआ है। इतने छोटे से कस्बे में बहुत कुछ विकास हुआ है, तहसील आ गई है, नगर पालिका आ गई है, आज हम उन्हीं का जायजा करेंगे। ये शुभकरण चौधरी जी का भी यहाँ पर ऑफिस है जो बीजेपी से प्रत्याशी हैं। सड़कों की स्थिति तो अच्छी है, गुढ़ा के कुछ स्थानीय निवासी भी हमारे साथ हैं तो हम इनसे भी बात करते चलेंगे। तो गुढ़ा गोरजी के स्थानीय निवासी हमारे साथ में हैं और इनके साथ में हम चल रहे हैं यहाँ के विकास का जायजा लेने के लिए और इनके माध्यम से हम जानेंगे कि यहाँ पर क्या विकास हुआ है, किस रफ्तार से हुआ है और भी चुनाव के क्या क्या मुद्दे हैं। ये प्यारी सी खूबसूरत सी सड़क जाती है गुढ़ा गोरजी में नए नए बने कॉलेज की ओर। अब यहाँ पर सरकारी कॉलेज भी खुल गया है। वैसे शिक्षण संस्थाओं के मामले में ये क्षेत्र पहले से ही काफ़ी अधिक जाना जाता है और लोकप्रिय है। सरकारी कॉलेज का यहाँ पर अभाव था जो कि अब खुल चुका है। तो ये है गुढ़ा का सामने सरकारी कॉलेज जो अभी नया बना हुआ है और इसके बाद में यहाँ पर शिक्षा का जो विकास है ये काफ़ी तेज गति से होगा और इसके साथ में यहाँ आसपास के जितने भी बच्चे थे इन लोगों को भी बाहर पढ़ने के लिए जाना पड़ता था। तो हमारे साथ में यहाँ स्थानीय निवासी हैं, इनसे हम बात करते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। नमस्कार, आपका शुभ नाम? मेरा नाम जगदीश स्वामी है, टोडी गुढ़ागोर जी। टोडी गुढ़ागोर जी से। हाँ। गुढ़ागोर जी के विकास के बारे में कुछ बताइए। गुढ़ागोर जी क्या नहीं, उदयपुर वाटी पूरी तहसील के अंदर जो है 1000 करोड़ का जो बजट लाने वाले हैं वो एकमात्र पूरे राजस्थान में राजेंद्र सिंह गुड्डा है। 1000 करोड़ का उसका आपको प्रूफ चाहिए वो मिल सकता है। 1000 करोड़ का पूरा बजट उदयपुर वाटी तहसील के अंदर लगाया है। अच्छा, इसमें ये जो कॉलेज बना हुआ है। हाँ। जो हम देख रहे हैं पृष्ठभूमि में, ये कॉलेज 2011 में जब मंत्री थे राजेंद्र सिंह जी गुड्डा उसी टाइम में पास करवा दी गई थी। फिर सरकारी बालिका विद्यालय है उसके अंदर चल रहा था। फिर उसके बाद में इन्होंने बामासा जो हैं बामासा केदार वो किशन जी मोदी उन्होंने अपने पिताजी के नाम से जमीन गवर्नमेंट ने दी हुई है और बिल्डिंग जो है वो किशन मोदी ने प्रवासी कलकत्ता उन्होंने बिल्डिंग बनवा के दी है। इस कॉलेज के बनने से कितना फर्क पड़ेगा यहाँ के एजुकेशन में? पहले क्या दिक्कतें थी बच्चों को? पहले दिक्कत यही थी, या तो नोलगढ़ जाओ कॉलेज सरकारी कॉलेज के लिए, प्राइवेट तो थी लेकिन हर कोई प्राइवेट में नहीं पढ़ा सकता तो उनके फीस नहीं भर सकता, हर कोई आदमी फीस नहीं भर सकता। तो या तो झुंझुनू जाओ या नोलगढ़ जाओ या सीकर जाओ, तो वहाँ की रहने की खाने की और फीस की सारी जो प्रॉब्लम थी वो उनसे सोल्व हो गई। मतलब स्थानीय को जो भी हैं उनको बाहर एजुकेशन के लिए नहीं जाना पड़ता। बालिका शिक्षा के क्षेत्र में कितना फर्क पड़ेगा? बालिका शिक्षा में भी खूब है क्योंकि ये तो बालिका भी है इसमें। दूसरी एक बालिका कॉलेज गुड़ा के अंदर है, अभी नई क्रमोन्नत होके बिल्डिंग भी बन चुकी है उनकी, उनका हॉस्टल भी बन चुका है, अगर वहाँ पे रहने चाहें तो गवर्नमेंट हॉस्टल भी है वहाँ पे। दूसरा सीनियर सेकेंडरी जो थी वो इससे पहले बालिका विद्यालय भी पंचायत के पास में, जो अभी नगर पालिका है उसके पास में भी बालिका विद्यालय है। बालिकाओं को कहीं भी बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। पहले तो फिर काफ़ी दूर जाना पड़ता होगा बच्चियों को, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत आती होगी। बिल्कुल साहब, सरकारी कॉलेज के लिए तो बाहर जाना पड़ता था। मेरा नाम है रविंदर सिंह शेखावत, उप सरपंच दुड़िया ग्राम से। अच्छा, आप दुड़िया ग्राम के उप सरपंच? हाँ जी। तो उससे बच्चियों की शिक्षा में काफ़ी फर्क पड़ा है और यहाँ पे जितने भी ये कॉलेज थे
प्राइवेट कॉलेज, ये मनमर्जी से अपने हिसाब से फीस वगैरह गरीब बच्चों से ऐठना होता। अब ये सरकारी कॉलेज हो गए तो उनकी भी फीस में मार्जिन कम हुआ है, फीस में कम हो जाए ना, तो इससे अच्छा डेवलपमेंट हो रहा है एजुकेशन में। और गुड्डा एजुकेशन हब बन रहा है सीकर के बाद में, आप देख लेना कि झुंझुनू नहीं, झुंझुनू तो कम हो गया, लेकिन सीकर के बाद में एजुकेशन हब गुड़ा ही बन रहा है। या हर दिन कम से कम आजू बाजू 10 किलोमीटर के दायरे में से 50,000 बच्चे यहाँ पढ़ने के लिए आते हैं। तो और ये शिक्षा के लिए अपना कॉलेज तो हो गया, और इसके अतिरिक्त और क्या क्या है, भविष्य की संभावना क्या देख रहे हैं? जो विकास हो गया है 5 साल में वो तो ठीक है, लेकिन अब अगले 5 साल में भी वो और क्या क्या करना है शिक्षा के क्षेत्र में? शिक्षा में ऐसा है कि मंत्री जी ने पिछले कार्यकाल में गुड़ा कॉलेज थी, इस कार्यकाल में उदयपुरवाटी गवर्नमेंट कॉलेज और गुड़ा के अंदर बालिका गर्ल्स कॉलेज, और अभी हमारे बाईपास के गुड़ा गोड़जी बाईपास के पास में एलएन ग्रुप ने भी अभी ज़मीन वगैरह खरीदी है, उनका भी बिल्डिंग का अभी काम चालू होगा। और इस हिसाब से अभी गुड़ा के अंदर कोटा की गुड़ा प्रिंस विद्यापीठ है, एक I-30 का कैंपस भी चल रहा है GPS में, और अन अकेडमी के भी अभी एक दो संस्थाएँ लगी हुई हैं, अन अकेडमी भी यहाँ चालू हो जाएगा। पर धीरे धीरे करते हैं, तकनीकी शिक्षा की यदि बात की जाए, इंजीनियरिंग है और ये मेडिकल वगैरह की सुविधा, फैकल्टी वगैरह जो हैं वो अभी लाने के लिए आगे जो विधानसभा चुनाव आ रहा है उसके अंदर पूरी जनता उनके साथ है, तो आगे जो भी फैकल्टी की कमी है वो दूर करेंगे पहले। मतलब 5 साल के बाद चाहे इंजीनियरिंग हो मेडिकल हो, उसके लिए बच्चे को बाहर नहीं जाना, सब सुविधा गुड़ा गोरजी गुड़ा गोरजी तो फिर महानगर बना के छोड़ेंगे। बन गया सर, कमी कहाँ रह गई ये बताओ ना। अच्छा, तो फिर लोग ये झुंझुनू सीकर भूल ही जाएंगे। भूल गए सर, झुंझुनू तो नाम ही नहीं बचा। गुड़ा शिक्षा क्षेत्र में पूरे राजस्थान में एक हब है। और उदयपुरवाटी तो फिर कहीं लगती नहीं, नहीं उदयपुरवाटी नहीं है सर, गुड़ा गोड़जी है। और गुड़ा हमारे विधायक ने, जैसे राजेंद्र सिंह गुड़ा ने जो गुड़ा नाम पीछे लगाया वो एक टाइटल बना हुआ है, और ये पूरे राजस्थान में नहीं हिंदुस्तान में प्रख्यात हुआ है सर। और ये इस समय हम खड़े हैं गुड़ा से झुंझुनू जाने वाली जो सड़क है, मेन हाईवे है, और यहाँ से ये बाईपास निकाला जा रहा है, तो इसके बारे में हम बात करते हैं। ये बाईपास निकलने से काफ़ी सुविधा हो जाएगी, बड़े बड़े ट्रक वगैरह हैं जो अभी सब शहर के अंदर से जाते हैं, उससे मुक्ति मिल जाएगी, ट्रैफिक भी कम होगा। और ये बाईपास का क्या है? ये बाईपास यहाँ लीलों की डाणी से लेके नवलगढ़ रोड, नवलगढ़ से लेके SS-37 उदयपुरवाटी रोड, फिर SS-37 उदयपुरवाटी से पावर हाउस चमरा रोड पे, फिर आगे खेदड़ों की डाणी से लेके उखमपरा होके, मतलब गुड्डा की चारों तरफ रिंग रोड हो गई, जो कि नई उदयपुरवाटी में है, नई सीकर में भी नहीं है, नई झुंझुनू में है, एकमात्र अपनी विधानसभा क्षेत्र के अंदर पूरी रिंग रोड, अंदर को ट्रैफिक को देखते हुए अंदर काफ़ी ट्रैफिक रहता था, एजुकेशन है इसके लिए बच्चों को भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, एक्सीडेंट्स वगैरह भी काफ़ी ज़्यादा होते थे, और काफ़ी टाइम लग जाता था स्कूलों की बसों को निकलने के अंदर। तो ये चारों तरफ बाईपास रिंग रोड हो गई गुड्डा गोड़जी की तरफ। दूसरा, ये एक लीलों की डाणी में एक्सीडेंट जोन था ये, यहाँ से भी 1 करोड़ का बजट गुड्डा गोड़जी तक 4 लाइन कर दी, 4 लाइन 1 करोड़ का बजट उसमें भी लगा है। ये प्रोजेक्ट कब तक पूरा होना है? ये प्रोजेक्ट तो 6 महीने इसको हो गए, मात्र 3 या 4 महीने बचे हैं, कंप्लीट ग्राउंड बेस पूरा तैयार हो गया। ये कितने फुट की है? वो 7.5 मीटर, 7.5 मीटर है। ये कितने, ये इसकी चौड़ाई कितनी हो गई? 25 फुट डामर वैसे, हाँ वैसे 30 फुट हो गई है सारे। मतलब ये 2 ट्रक वगैरह आराम से निकल, डबल रोड वो निकल जाएंगे कि नहीं? और सड़कों की कंडीशन तो वैसे भी यहाँ ठीक ही है, सड़क की कोई ज्यादा, सड़कों की तो पूरी इतना जाल कर दिया मंत्री महोदय ने कि कोई सोच भी नहीं सकता था 70 सालों में। जैसे कि दुड़िया से रेला की डांडी, हर बात में मंत्री महोदय आ रहे हैं, औरों ने भी तो किया होगा। औरों का जितने भी MLA बने हैं, शिवनाथ जी बने हैं, ऐसे हमारे रणवीर जी भी बने हैं, शुभकर्ण जी भी बने हैं, इन सब के जितने भी MLA बने हैं आज तक के इतिहास में, उन सब का काम एक तरफ और मंत्री जी का एक तरफ रख दो। ये इन्होंने ही सैंक्शन करवाया? हाँ पूरा, जो भी ये 3 साल का, दो साल कोविड में खराब हो गए, ये मात्र 3 साल में गहलोत जी के पांव पे पांव धर के वो लेके आए थे। अगर मंत्री जी चाहते, उस टाइम में सरकार जब गिरने वाली थी, वो चाहते तो कुछ भी सौदा करते, लेकिन उन्होंने एक ही चीज बोली थी कि मेरे को मेरे क्षेत्र का डेवलपमेंट चाहिए, बाकी
डेवलपमेंट के अलावा ऐसे तो कांग्रेस के भी विधायक हैं, कांग्रेस के भी मंत्री आज तक पूरे राजस्थान में जो उदयपुर वाटिका जो बजट है कोई भी लाके दिखाया तो उसका आप डिटेल दे सकते हैं। और यह है बाईपास जो अगले कुछ महीनों में बन करके तैयार हो जाएगी और इसके बाद में भी यहाँ विकास कार्य काफ़ी तेज़ी से बढ़ेगा। बाईपास के इर्द गिर्द की ज़मीनें भी काफ़ी महंगी हो रही हैं और यहाँ पर बिजनेस डेवलपमेंट के हिसाब से भी ये काफ़ी काम आएगा और इसके साथ में जो ट्रैफिक कंट्रोल होगा, एक्सीडेंट्स कम होंगे, तो ये भी विकास के पथ पर एक अगला मील का पत्थर इसको कहा जा सकता है। ये भी है टोडी की सड़क और गांव के हिसाब से यदि आप देखें तो डामर की पक्की सड़क है। गांव-गांव तक डामर की पक्की सड़कें जा रही हैं। सड़कों का कोई बहुत विशेष समस्या यहां पर नहीं है। कॉलोनियां बन रही हैं, सड़कें सब लगभग अच्छी ही हैं। यदि आप हाईवे पर जाएं तो चाहे आप उदयपुर वाटी चले जाएं, चाहे झुंझुनू चले जाएं, चाहे नीमका थाना चले जाएं, तो यातायात की अच्छी सुविधा है। और ये इस समय हम चल रहे हैं गुढ़ा से नवलगढ़ जाने वाली सड़क पर। सड़क की कंडीशन यदि देखें तो अच्छी है। पहले भी कहा कि सड़कों को लेकर के यहाँ कोई विशेष समस्या है नहीं है। ये जितना बड़ा कस्बा है उसके हिसाब से सड़क है, सफाई है, ये सारी व्यवस्थाएं, और बड़ी बड़ी यहाँ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं। ये श्रद्धानाथ कॉलेज के सामने की सड़क है। यह गुढ़ा प्रिंस विद्यापीठ। और ये हमारे साथ हैं रघुनाथपुरा से सरपंच जी, और इनसे हम यहाँ चुनाव के माहौल के बारे में पूछते हैं। सर आपका नाम? संजय नेहरा नाम है मेरा। अच्छा, गुढ़ागोड़ जी में क्या माहौल चल रहा है चुनाव का? गुढ़ागोड़ जी मेरे ख्याल से आप देख रहे हो तो गुढ़ागोड़ जी में गुढ़ा ही गुढ़ा है, और क्या माहौल है। अच्छा। लोग शुभकरण चौधरी की भी लहर बता रहे हैं। मुझे तो आज तक दिखाई नहीं थी, पिछले 5 साल में नहीं दिखे थे। 2013 में जब लोग नहीं जानते थे उस समय वास्तव में लहर थी और उस लहर की वजह से MLA बने थे, लेकिन अब लहर नहीं है, उनके लिए जनता का कहर है, विदाई समारोह है उनका। और ये जो त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है? कोई त्रिकोणीय नहीं है, वन में मुकाबला है, मात्र औपचारिकता रही है। उदयपुर पार्टी का चुनाव जनता तय कर चुकी है, राजेंद्र गुढ़ा चुनाव जीत गए हैं। कल गहलोत जी के आने से भी काफ़ी उत्साह है कांग्रेसियों में? कांग्रेसियों में उत्साह, एक समाज का इतना बड़ा सैनी समाज का निभाव, गहलोत साहब से उत्साह आएगा, इससे अंतिम हथियार अपना काम में लेंगे। 45 साल के राजनीतिक करियर में गहलोत साहब ने पहली बार किसी सार्वजनिक मंच से कहा है कि मैं माली हूँ, माली समाज का आदमी हूँ और मैं आपको उदयपुर पार्टी को गोद लेता हूँ, इस तरह की बातें की हैं, तो इससे ज़्यादा आप इससे मानसिकता समझ ही सकते हैं। नहीं, जैसे राजेंद्र गुढ़ा जी पहले कांग्रेस से मंत्री थे और अब वो शिवसेना से हैं, तो उससे कोई फर्क पड़ता है? क्या फर्क पड़ता है, हमें क्या मतलब है उससे? हमारा डेवलपमेंट होना चाहिए, क्षेत्र का डेवलपमेंट होना चाहिए, लोगों को आराम से उपलब्ध होने वाला विधायक होना चाहिए, हमारे काम होने चाहिए, हम थोड़ी दिशा तय करने वाले हैं। नहीं, लोगों का जैसे अब यही कहना है कि अब आगे जैसे वो शिवसेना की स्थिति तो अपने एक तरह से निर्दलीय जैसी है, तो या तो कांग्रेस में होते या BJP में होते तो विकास होता, बजट सेंक्शन होता, यदि वो शिवसेना से हैं तो फिर कैसे बजट सेंक्शन होगा या आगे कैसे विकास होगा? पिछली बार कौन से कांग्रेस BJP से थे, कैसे हो गया बजट, वैसे ही अब आ जाएगा। तो उसी तरह का कुछ इस बार फिर आगे गठबंधन वगैरह हो सकते हैं? वो उनका काम है, हमारा काम उनको चुनाव जिताना है, विधानसभा भेजना है, उनका हमारा काम इतना ही है, इससे ज़्यादा हमारा काम नहीं है, वो काम उनका है। और कोई मुख्य मुद्दे इसके सिवा? बहुत अमन चैन शांति है, 36 जात बिरादरी का भाईचारा कायम है, डेवलपमेंट बेहिसाब डेवलपमेंट हुआ है, रात को 2 बजे भी लोगों को फ़ोन के साथ उपलब्ध नेता मिलता है, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए, और जीते जी मुद्दे तो चलते रहते हैं। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद। और ये सामने आप देख रहे हैं ये चपरा रोड है, और ये जो बाईपास थी जिसके बारे में बताया था, लीला की ढाणी से शुरू होकर के ये यहाँ पर आकर के मिलेगी, तो ये शहर के बाहर ही निकल जाएगी। तो ये तो गुढ़ागोड़ जी में अपनी सड़क की भी बात हो गई, शिक्षा की बात हो गई, स्वास्थ्य को लेकर के क्या स्थिति है? स्वास्थ्य को यह जिला स्तर पर ट्रोमा सेंटर होता है उदयपुर वाटी के अंदर, कोरोना के बाद में एक तो ट्रोमा सेंटर, गुढ़ागोड़ जी का जो हॉस्पिटल है 50 बेड का हॉस्पिटल, जो पूरा AC वातानुकूलित, उसको आप देखेंगे, अभी आचार संहिता की वजह से अंदर नहीं जा सकते, बाकी एक 50 बेड का हॉस्पिटल ऐसा हुआ है कि वो जिला स्तर पर भी नहीं मिल सकता आपको। अच्छा, ऑक्सीजन प्लांट उदयपुर वाटी में, ऑक्सीजन प्लांट गुढ़ागोड़ जी में, ऑक्सीजन प्लांट
फिर बाद में पीएससी सीएससी तो सैकड़ों हो गए उदयपुर वट्टी क्षेत्र में ही, गाँव गाँव में पीएससी सीएससी हो गए, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, प्राथमिक चिकित्सा केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र सारे सैकड़े हो गए। मतलब तो मतलब प्राथमिक चिकित्सा के लिए अब ग्रामीणों को ऐसा नहीं कि काफी दूर जाना, काफी दूर पहले गुड्डागोड़ जी जाना पड़ता था या उदयपुर वट्टी जाना पड़ता था, तो छोटी मोटी जो भी है उनको ग्रामीणों को गुड्डागोड़ जी या उदयपुर वट्टी नहीं जाना पड़ता है, हर पंचायत स्तर पे है। और ये ट्रॉमा सेंटर जैसे पहले उदयपुर वाटी नहीं था तो फिर कहाँ जाना पड़ता था, सीकर जाना पड़ता था या झुंझुनू जाना पड़ता था, फिर सीकर वाले जो रेफर कर देते जयपुर, तब तक तो हाँ मतलब जैसे कोई एक्सीडेंटल केस है, किसी की ब्लीडिंग हो रही है, ये हो रहा है, तो उतना तो टाइम ही नहीं रहता, उतना टाइम नहीं रहता, तो ट्रॉमा सेंटर उदयपुर वाटी के अंदर हो गया। तो ट्रॉमा सेंटर होने से काफी शिक्षा में, स्वास्थ्य में, हाँ स्वास्थ्य में काफी सुधार हुआ है। अच्छा चलिए, आप राजेंद्र गुढ़ा जी के बारे में इतना बता रहे हैं और काफ़ी जानते हैं, तो कोई ऐसे तीन कारण आप बताइए जिसकी वजह से लोगों को राजेंद्र गुढ़ा जी को वोट देना चाहिए, कोई भी ऐसे तीन कारण। तीन कारण ये हैं, एक तो विकास पुरुष, विकास करते हैं, एक बच्चा बच्चा, उनको बच्चा बच्चा जो है वो जानता है, दूसरा उनके चरित्र इतने साफ, सभी पूरे राजस्थान में नहीं पूरी इंडिया में अगर मिल गए, माँ भगवती का उनके ऊपर आशीर्वाद है और बाबा जगदीश दास जी का उनके ऊपर आशीर्वाद है, और साफ छवि चरित्र से इतने साफ सुथरे, कभी आज तक कोई ड्रिंक वगैरह कुछ भी, अगर कोई आदमी ये बता, शराब वगैरह नशा सा कभी नहीं, नशा छोड़ के आप, नशा उनको अपनी जनता का है, नशा उनकी अपनी जनता का नशा है, बाबा जी का नशा है, माता रानी का नशा है उनको। नवरात्रों में सुना है काफी पूजा पाठ, नवरात्रों में नौ दिन तक कुछ भी वो नहीं लेते हैं, पूरी आराधना माँ भगवती की करते हैं वो। और इतने लंबे कार्यकाल में महिलाओं से संबंधित कोई आरोप प्रत्यारोप, महिलाओं से, आप महिलाओं की बात कर रहे हैं, क्षेत्र की जो भी बहन बेटी होती है अपनी बहन बेटी समझते हैं वो, अपनी बहन बेटी, कितने से यहाँ से जो है, कितने से ट्रांसफर बाड़मेर जैसलमेर मतलब दूसरे क्षेत्र में थे, उन बहन बेटियों को अपनी समझ के अपने क्षेत्र में लेके आए। और जनता में वो हर किसी को उपलब्ध रहते हैं, कभी भी मिलने, अरे किसी को रात को लोग आते हैं, दिन में तो छोड़ो आप, रात को 2 बजे भी अगर कोई फोन करता तो वहाँ तैयार खड़े रहते हैं। तो मतलब यदि तीन कारण बताए जाएं तो एक हो गया विकास, दूसरा हो गया जननेता, और तीसरा है बेदाग छवि। अगर विपक्ष भी ये कह देना कि उनके कुछ भी दाग है इस मामले में, मतलब दुश्मन भी ये चीज़ नहीं बोल सकता कोई। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।